नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक साने और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा कमेंट्स किया था, पासपोर्ट इज प्रिंटेड यू विल गेट मैसेज और एसएमएस या फिर ईमेल वंस योर पासपोर्ट इज डिस्पैच। इसका मतलब क्या? बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था। हालांकि मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अगर आपका शो करता है पासपोर्ट, योर पासपोर्ट इज पेंडिंग, यू विल गेट एसएमएस और मैसेज और ईमेल वंस योर पासपोर्ट इज डिस्पैच, इसका मतलब क्या है? आप सबसे पहले बात करते हो, वहां पर अगर शो करता है एसएमएस, मैसेज या फिर ईमेल, तो इसका मतलब यह है कि जो वहां पर एसएमएस शो कर रहा है मैसेज, जब आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो वहां पर आपको पता है कि आपको ₹50 चार्ज रखते हैं लोग और आपका नंबर रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो अगर उस टाइम पर अगर आपने नंबर रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो जो यहाँ पर दे रहा है एसएमएस या फिर मैसेज के थ्रू, तो ये एसएमएस आपके उसी मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर आएगा। ये तब आएगा जब आपका पासपोर्ट वहां से भेज दिया जाएगा, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा वहां से समझ लीजिए भेज दिया जाएगा, जो हमारी आरपीओ है वहां से डिस्पैच कर दिया जाएगा। उस टाइम पर आपका मतलब आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो नंबर रजिस्टर्ड है, उस नंबर पर आपको एसएमएस से पता चलता है। और वहां पर एक ऑप्शन फिर आता है ईमेल के थ्रू भी पता चलेगा। इसका मतलब क्या? देखो, ईमेल वाले में कोई कहीं सर्विस चार्ज नहीं लगता है। ईमेल वाला जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, जिस टाइम पर अप्लाई करते हो आप, उस टाइम पर हम ईमेल आईडी भी अपनी डालते हैं। अगर उस टाइम पर आपने ईमेल आईडी जो डाला है तो उस ईमेल आईडी को आप हमेशा चेक करते रहो। कोई मैसेज जरूर आपको जाएगा, जब वो मैसेज तब जाएगा जब आपका पासपोर्ट यहां से डिस्पैच कर दिया जाएगा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से, तो वो आपको ईमेल के थ्रू भी पता चल जाएगा, आप वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो इसका ये मतलब है, पासपोर्ट इज प्रिंटेड यू विल गेट मैसेज और एसएमएस वंस योर पासपोर्ट इज डिस्पैच। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका पासपोर्ट यहां से भेज दिया जाएगा तब आपको हम एसएमएस, ईमेल या फिर मैसेज के थ्रू आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। सीधी सीधी बात है, साफ साफ, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी पॉइंट को बता दिया। अब बात ये है कि भाई चलो ये मैसेज तो दिया, लेकिन इसके बाद पासपोर्ट कितने दिन में आएगा? देखो, अगर ऐसा मैसेज आपको देता है डिस्पैच का तो आप अनुमान लगा लो 3 to 10 days। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ 2 दिन में आ जाएगा, बट बेसिकली चांस ज्यादा है। अगर आपका आरपीओ आपके घर के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो हो सकता है कि आज डिस्पैच करे तो कल कुरियर वाला पहुंचा दे, तो ऐसे हो सकता है, स्पीड पोस्ट से आता है वो, तो हो सकता है कि जल्दी आ जाए। बट इन दैट केस अगर आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस थोड़ा दूर है और उस कंडीशन में आपको 3 to 10 days का टाइम लग सकता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में, तो वहां पर आपको पता है कि थोड़ा पोस्ट ऑफिस से थोड़ा सा डिले वो लोग करते हैं भाई, पासपोर्ट आने के बाद भी वो थोड़ा सा डिले आपको वहां तक पहुंचाएंगे। अगर उसके बाद भी याद रखना भाई, अगर आपका पासपोर्ट आपके घर पर लेके जाता है पोस्टमैन, अगर उस टाइम पर आप घर पर नहीं मिलते हैं तो वो आपका पासपोर्ट फिर से रिटर्न होके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से हो जाएगा, और फिर आपको फिर से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा आरपीओ का अपॉइंटमेंट लेके, फिर तामझाम वही बहुत लंबा चौड़ा। इसलिए इतना याद रखें कि जब भी आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो जो भी आपके एरिया में आपका पोस्टमैन है उससे बात करके रखें, ताकि वो जब भी आपका पासपोर्ट आए आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दे, वो रिटर्न ना दे, रिटर्न गया तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर था। तो मैं सोचा भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, छोटी है, इसलिए जल्दी से बनाकर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो भाई कमेंट्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।